दिन शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और हम शाहीन बाग के एरिया में हैं। आप पीछे देख सकते हैं सैलाब यहाँ पे इस मौके पे आया हुआ है। यहाँ पे इस भीड़ में आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे, एक्टिविस्ट दिखेंगे, आर्टिस्ट दिखेंगे जो कि यहाँ पे महिलाओं को अपना समर्थन देने के लिए मौजूद हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ C2 की नेशनल सेक्रेटरी AR सिंधु जी भी मौजूद हैं। मैम, आप हमें थोड़ा बताइए, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं, इस संदर्भ में आज के जो उसमें शाहीन बाग की क्या महत्वता है और किस प्रकार से शाहीन बाग जो एक बागी आग जो कहा जा रहा है इसको, वो पूरे देश में फैल रही है। देखिए, आज जो है 50वां दिन है और आज का खासियत एक और है क्योंकि एक कोई है, उन्होंने ये कॉल दिया था कि आज के दिन में इधर में आके लोगों को यहाँ से निकाल देंगे। तो ये संदर्भ में जो है पूरा जन एकता जन अधिकार आंदोलन ने ये कॉल दिया है कि हम इधर में ये दिखाना के लिए भी यहाँ रहना जरूरी है क्योंकि ये देश की जनवादी अधिकार है कि ये जो प्रोटेस्ट को पीसफुल प्रोटेस्ट का जो अधिकार है उसको बचाने के लिए, और दूसरा ये कोशिश है कि ये एक मुसलमानों लोगों और ये पाकिस्तान के साथ में है, ऐसा करके देश के जो गृह मंत्री है वो खुद ऐलान कर रहे हैं तो शाहीन बाग को नाम लेके। तो इस संदर्भ में हम ये दिखाना चाहते कि ये पूरे भारत यहाँ पे है, ये कि पूरे भारत का जो CAA का खिलाफ का जो रेसिस्टेंस है और अपना जनवाद उसके लिए एक सिंबल है। तो इसीलिए हम आज इधर में खड़े हैं और आज का जो प्रासंगिकता एक है, ये ANTI CAA प्रोटेस्ट का ये 50 डेज ये महिलाओं के नेतृत्व में ये चला है और ये पीसफुली चला है और ये जो इसको भी ब्रांड करने का कोशिश को ये इसने ठुकराया है, पूरे देश ने मिलके इसका सहायता किया है। दूसरा ही ये जनवादी अधिकार के लिए भी है, ये प्रोटेस्ट का अधिकार को भी कायम रखने का दिल्ली के अंदर वो रिकॉर्ड है, ये 50 दिन में यहाँ पे बैठे हैं। आपने शाहीन बाग के पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की, आज राजधानी में शाहीन बाग जैसे ही इलाके इलाका करते हुए 20 के करीब इलाके हो चुके हैं जहाँ पे शाहीन बाग से प्रेरणा लेते हुए महिलाएं सड़कों पे उतरी हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि दिल्ली इलेक्शन है सर पे और जिस तरीके से एक कम्युनल रिमार्क्स का BJP की तरफ से आया है कि इन प्रोटेस्ट को ब्रांड करने का, और उसको चलते उसके अब हम रिजल्ट्स भी देख रहे हैं जहां पे शूटिंग हो रही है। पिछले 48 घंटे में 2 ऐसी वारदात हो चुकी है, कल शाहीन बाग में खुद यहां पे 2 गोलियां चली हैं। इसको आप किस तरीके से जोड़ के देखती हैं कि एक नेशनल पार्टी कॉल दे रही है, नेशनल पार्टी के लीडर्स MPs कॉल दे रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और उन सब में इलेक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये जो गोलीकांड हुआ है हम इसको ये देश के असली मुद्दों से जोड़ के देखते हैं। अभी देखो कि कल को ये देश में बजट पेश हुआ है, ये देश के सामने आज का सबसे बड़ी मुद्दा क्या है, ये सवाल है हम हिंदुस्तान के सामने में करना चाहिए। यहाँ पे भूखमरी है, कुपोषण के लिए लोग मर रहे हैं, 8 लाख बच्चे पिछले साल में 5 साल होने से पहले मरे हैं, और जो लोग हैं बेरोजगारों का खुदकुशी जो है किसानों का खुदकुशी से ज़्यादा हुआ है इस पिछले साल में, और ये बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं और देश में मंदी को चलते हुए जो इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं और ये इस और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, न्यूनतम वेतन कहीं लागू नहीं है, किसान के लिए जो न्यूनतम उपज के लिए दाम नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहे, ये सारी असली मुद्दा है। तो ये मुद्दा तो एड्रेस नहीं कर पाएंगे और देश की जो है संपत्ति को बेचने का नीति चला रहे हैं मोदी सरकार, तो उसमें से दोनों का एक तो है उसमें से जनता का ध्यान भटकाओ और आपस में उनको बांटो और उसका अपना हिंदुस्तान राष्ट्र भी उसी जरिए कायम करो, ये नीति है। तो यही है असली मुद्दा, इसलिए जो ये देश की जो वित्त मंत्री है, ये जो सहमंत्री है, उसने ये दिल्ली चुनाव में कल को हम दिल्ली में बजट पेश करने वाले पूरे भारत का, उसके लिए हम क्या देश के लोगों के लिए कुछ लेके आएंगे ये बात का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला है कि ये हथियार उठा के तुम्हारे दुश्मन सामने खड़े है उसको बंदूक मारो, ये उसने उकसाया है, और ये देश के नौजवान बेरोजगार है वो फ्रस्ट्रेटेड है,
उसको मालूम नहीं है कि क्या करे, और उसमें है कि उसमें कोई बोल रहे कि उसमें उसका दुश्मन सामने में खड़ा है, तो उसी में आ रहे हैं और वो बंदूक उठा रहे, बोल रहे हैं कि 18 20 साल के बच्चे हैं जो आ रहे हैं और इसको गोली मार रहे हैं। उनको ना हिंदुत्व का पता है ना उसका पता है, वो तो उनको उकसाया जा रहा है। यही काम है असली में, इसीलिए भी ये आज के दिन में ये शाहीन बाग का सांगत्य ज्यादा बढ़ रहा है कि ये देश की लड़ाई है, देश की असली मुद्दे लाओ और देश को बांटना बंद करो। ये पूरे भारत का नागरिक है जिसका वोट तुमने लेके जो तुम सत्ता में आए हैं, और उस टाइम में नागरिकता पे कोई शक नहीं था, तो यही बात है। और अभी जो तुम क्या कर रहे हैं उसके बारे में लोग चर्चा ही ना करें। और कल का बजट के अंदर देश में इतना भूखमरी है, जो बच्चे 8 लाख बच्चे का मरने का बात बोला है, तो यहाँ पे जो राशन है, राशन प्रणाली के लिए जो अलोकेशन है, उसमें 76,000 करोड़ रुपए का कटौती किया है। कल देश में वो बहस है ही नहीं, बोल रहे कि हिंदुस्तान है पाकिस्तान है, गोली मारो, ये बात चल रहे है। यही हम चाहते हैं कि असली मुद्दे पे बात आए, और ये देश के हर एक नागरिक है और ये देश की जनता है, ये देश की जनता की के लिए सत्ता में तुम बैठे हो, तुम ये देश के लिए ये सत्ता चलाओ, देश की जनता के लिए कानून बनाओ, ये असली मुद्दे पे इसको जोड़ के, तभी तो जाके ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट का कानून के खिलाफ में जो लड़ाई है वो भी आम जनता का जो मुद्दों का लड़ाई के साथ में बाकी मुद्दों के साथ में लड़ाई को शामिल करते हुए आगे लड़े जाएगा। ये दिल्ली का चुनाव में भी यही मुद्दा है, उसके लिए कुछ केंद्र का सरकार के बारे में कुछ कहने को ना, जो उनका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके बारे में कुछ बोलने का नहीं है, सिर्फ यही है कि ये देश की देशद्रोही है, इन लोगों को गोली मारो और तुम लोग हमें वोट दो, सिर्फ वही है, इसी के लिए ये पूरा चला रहा है। मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे यही रहेगा कि आप C2 की मेंबर होने के साथ साथ जन एकता जन अधिकारी की भी मेंबर हैं, और यहाँ पे आप समर्थन देने आई हैं महिलाओं को, शाहीन बाग की महिलाओं को, आने वाले समय में किस तरीके से CAA NRC के प्रोटेस्ट एक रूप लेंगे? कल जिस तरीके का बजट आया जहाँ पे हम अलोकेशंस फंड जो होते हैं वो भी आपने बात की कि वो कम किए गए हैं, तो किस तरीके से जन एकता जन अधिकारी इसमें अपना हिस्सेदार रहेगी और किस तरीके से प्रोटेस्ट एक रूप रहेंगे? देखिए, जन एकता जन अधिकार आंदोलन है, इसमें जो है करीब 200 के करीब संगठने हैं, बड़ा मंच है, उसमें ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, महिला, जवान सब लोग हैं, और उनका ये एक जो है CAA के खिलाफ में क्लियरली स्टैंड है, उसके विरोध में हम लोग है ही है, और इसके लिए ही ये, और जनवादी सारे अधिकार के लिए भी है, और दूसरा ये भी है कि ये जन विरोधी नीतियाँ है जो देश की संपत्ति का बेचने का, प्राइवेटाइजेशन का है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है, न्यूनतम वेतन मजदूरों का, न्यूनतम मूल्य जो है किसानों को जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है, और ये जो और शिक्षा और स्वास्थ्य को सारे को जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ में ये सारे आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। और यही मुद्दा है, हमने 30 जनवरी को भी उठाया था, 30 जनवरी में राजघाट में प्रोटेस्ट हुआ था, तो हम ये बोला जनता की मुद्दा को साथ में, एक बड़ी मुद्दा है नागरिकता वाला मुद्दा, तो ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, और ये मिले हुए मुद्दे को दोनों मिला के हम आगे ले जाएंगे। और ऑलरेडी ये सारे जो मूवमेंट्स जहाँ चल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेशन तो बहुत हो चुका है और आने वाले दिनों में भी होगा, और ये 5 फरवरी को जो जंतर मंदिर में ये जो बजट जो है ये जन विरोधी बजट है, देश को बेचने वाला और जनता के सुविधाओं को काटने वाला, ना रोजगार देते हैं, ना महिला का सुरक्षा देते हैं, शिक्षा को निजीकरण किया हुआ है, पूरे हेल्थ को निजीकरण किया हुआ है ये बजट में, उसके खिलाफ में हम लोग 5 तारीख को जो है ये प्रदर्शन करेंगे जंतर मंदिर में, वो एक है, और उसके आगे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जनता को लेके। शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी आपने सुना AR सिंधु को, जो कि C2 से थी, जिनका कहना था कि अब बात केवल CAA NRC NPR की नहीं है, बात है जो ज़मीनी जो मुद्दे हैं जिनसे भटकाया जा रहा है, इलेक्शंस के समय पे जिन मुद्दों पे बात नहीं होती है, और एक कम्युनल जो एक माहौल पैदा किया जाता है, लड़ाई अब उसके खिलाफ है। कल जो बजट भी आया, जिस तरीके से अलोकेशंस कम किए गए हैं,
उनके खिलाफ एक जो प्रोटेस्ट है उसको सीए, एनआरसी, एनपीआर इन सब मुद्दों के साथ में रख के मोदी सरकार के खिलाफ एक जो जन आंदोलन है वो शुरू करने की मुहिम है यहाँ पे। शुक्रिया, हम यहाँ पे बने रहेंगे, आप फेसबुक हमारा देखते रहिए। शुक्रिया।